फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, हम लास्ट दो वीडियो में सेफ्टी से रिलेटेड बात कर रहे थे लिफ्ट की, और आज हम बात करेंगे लिफ्ट के मेन पार्ट्स के, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। हम इनका आप फ्रेंड्स ओवरव्यू लेंगे और साथ साथ में प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और क्या क्या है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा मैंने ये लिखा हुआ है मेन पार्ट्स ऑफ लिफ्ट, एक्चुअली जब कभी भी मैंने अक्सर देखा है, मुझसे भी इंटरव्यू में जब कभी पूछा गया है तो मैं प्रॉपर नहीं बता पाया हूँ कि क्या क्या उसके मेन पार्ट्स हैं। एक्चुअली हम लोग सारा फिजिकली तो देखते हैं लेकिन हमें नाम याद नहीं होते उन चीज़ों के, तो उस पर्पज़ से मैंने ये लिखे हैं सारे मेन पार्ट्स हैं। पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन पार्ट्स भी अगर हम 8-10 इंटरव्यू में बता पाते हैं तो तुरंत ही वो समझ जाता है कि इसने लिफ्ट को देखा है और ये लिफ्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। फ्रेंड्स देखिए, जैसा मैंने पहला लिखा है लिफ्ट कार और शाफ्ट, लिफ्ट कार एंड शाफ्ट, यानी लिफ्ट के लिए सबसे पहले मेनली ज़रूरत है बिल्डिंग के अंदर शाफ्ट की। अगर बिल्डिंग में लिफ्ट के लिए शाफ्ट ही नहीं छोड़ी गई है या प्रोविज़न नहीं छोड़ा गया है तो हम लिफ्ट कहीं नहीं लगा सकते हैं। तो शाफ्ट वही होती है जो बिल्डिंग के अंदर छोड़ी जाती है, जहाँ पर लिफ्ट लॉबी होती है जिसमें लिफ्ट ऊपर से नीचे तक चलती है, उसी को कहते हैं लिफ्ट शाफ्ट। और लिफ्ट कार क्या होता है? फ्रेंड्स, लिफ्ट कार वो होती है जो शाफ्ट के अंदर चलती है, ठीक है। लिफ्ट के दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, एक लिफ्ट कार यानी जिसको हम कार बोलते हैं, और एक होता है लैंडिंग यानी कार डोर और लैंडिंग डोर। जैसे आप जानते हो लैंडिंग डोर जो फ्लोर पे लगे रहते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे बाहर से लगे रहते हैं वो लैंडिंग डोर कहलाते हैं, और अंदर वाले कार डोर कहलाते हैं। उसी प्रकार से अंदर का जो सिस्टम है वो कार बोलते हैं उसको, तो लिफ्ट कार कहलाती है जिसमें हम पैसेंजर या कोई भी जो भी है अंदर जाके खड़ा हो जाता है और उससे वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव चलती है, वो कहलाती है लिफ्ट कार। फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट है सीव और मोटर, द सीव एंड मोटर मैंने लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, सीव जो होती है आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मशीन रूम में जाते हैं तो मोटर के साथ में एक पुली लगी रहती है बड़ी सी, और उसमें पुली में राउंड राउंड जिस पर रोप चलती है, एक्चुअली होती पुली है लेकिन उसको हम सीव बोलते हैं क्योंकि उसमें खांचे बने हुए होते हैं 5-6, एक लिफ्ट के लिए हो सकता है 6 रोप हों, 7 रोप हों, 8 रोप हों, 4 रोप हों, तो वो उसमें चलती हैं, उसी को कहते हैं सीव। फ्रेंड्स, मोटर जैसे आपने देखा होगा सीव के साथ में ही मोटर लगी होती है, उसको भी हम इसी सिस्टम में देखते हैं। फ्रेंड, तीन नंबर है कंट्रोल यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, मैकेनिकल पार्ट तो हमने सारे लगा लिए, सेफ्टी भी सारी लगा ली, लेकिन अगर हम कंट्रोल यूनिट नहीं लगाते, यानी जिसमें कंट्रोल यूनिट में जो बहुत सारी सेफ्टीज़ के मदरबोर्ड लगे होते हैं, चिप लगी हुई होती हैं, रिले लगी हुई होती हैं, और जो हमारे कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, और ड्राइव लगी हुई होती है जिसे हम PLC ड्राइव या कंट्रोल यूनिट ड्राइव कहते हैं, वो भी लगी हुई होती है, उसी को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। मैं इसी इमेज में आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है काउंटर वेट। फ्रेंड्स, लिफ्ट के अंदर काउंटर वेट का मेन रोल होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि काउंटर वेट लगाया क्यों जाता है। फ्रेंड, काउंटर वेट जो होता है दो कारणों से लगाया जाता है, एक तो लिफ्ट को यानी जो कार है उसको बैलेंस करने के लिए, दूसरा इजी मूवमेंट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर हम डायरेक्टली किसी वेट को नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एनर्जी सेव करने के लिए ही काउंटर वेट लगाया जाता है। होता क्या है, रोप के द्वारा हम दोनों सिरों पे एक तरफ कार को जोड़ देते हैं और एक तरफ काउंटर वेट जोड़ देते हैं, तो वो क्या है, बैलेंस रहती है, और बैलेंस रहती है तो फ्रेंड्स मोटर अगर हल्की सी भी मोटर चलती है तो वो एक सिरे से दूसरे की तरफ, यानी वेट को एक काउंटर वेट नीचे चला जाता है और कार ऊपर आ जाती है, और कार नीचे चली जाती है काउंटर वेट ऊपर आ जाता है, इजी मूवमेंट हो जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो काउंटर वेट जो मोस्टली लगाया जाता है वो कार को बैलेंस करने के लिए जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि काउंटर वेट लगाया कितना जाता है। फ्रेंड्स, काउंटर वेट जो लगाया जाता है, यदि कोई लिफ्ट है, आपको मैं प्रैक्टिकली मोटा मोटा समझाता हूँ कि कार है, कार के अंदर मान लीजिए 10 पैसेंजर की कार है, उसके अंदर 5 पैसेंजर भेज दीजिए, और कार सहित उस 5 पैसेंजर के बराबर जितना वेट होगा वो उतने वेट का काउंटर वेट लगा होता है। मींस ये समझिए कि कार का वेट प्लस आपकी कार में जितने पैसेंजर हैं, यानी अगर मान लीजिए 20 पैसेंजर है और एक पैसेंजर का 70 kg वेट लिया है तो 7 × 2 = 1400 वेट हो गया, 1400 का 700 वेट हो गया 50%, तो 700 प्लस कार का वेट, उतना वेट अंदर होगा। मान लीजिए अगर कार का वेट 100 kg है और वो 200 kg ट्रैवल करा सकती है, या 200 kg के वेट जो है ऊपर से नीचे कर सकती है, तो 100 kg ये और 100 kg वो, यानी कितना हो गया, 200 kg का वो उसका काउंटर वेट होगा। या आप कह सकते हैं कि जितना कार का वेट है उससे 40 to 50%, यानी डेढ़ गुना एग्जैक्ट नहीं होता है, 40 to 50% होता है कार के वेट से
40-50% जो कार का वेट है, यानी कार का, फ्रेंड्स आप ऐसा समझिए जैसे कार का वेट, कार प्लस 40-50% लोड, जितना लोड वो कैरी करती है उसका 40-50% दोनों को जोड़ करके काउंटर वेट लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कह सकते हैं कि कार का डेढ़ गुना, आप ऐसे भी कह सकते हैं कार इंटू 1/14 डेढ़ गुना, यानी कार का डेढ़ गुना वेट भी लगाया जा सकता है। दो तरीके होते हैं, एक तो कार प्लस जो उसमें कैरिंग लोड है 40-50% लोड का वेट और कार का वेट दोनों को जोड़ दीजिए उतना वेट होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कार के वेट का डेढ़ गुना होता है, यानी कार 100 किलो की है तो 150 केजी का काउंटर वेट होगा, सीधी सी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मशीन ड्राइव। अभी मशीन ड्राइव क्या होती है फ्रेंड्स, मशीन रूम में आपने देखा होगा ऊपर के सिस्टम पे आप देखोगे जो बड़े बड़े चैनल के ऊपर जो सिस्टम लगा रहता है उसका, यानी जिसमें मोटर होती है, मोटर के साथ सीव होती है, रोप होती है, ब्रेक्स लगे होते हैं और उसके अंदर ऊपर जो काउंटर वगैरह लगे रहते हैं, ड्रम लगा रहता है, यानी वो सिस्टम जितना भी मशीन रूम में ऊपर लगा रहता है उसी को मशीन ड्राइव बोलते हैं, सारे को मिला के जो मैकेनिकली पार्ट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है काउंटर वेट गाइड रेल। यानी फ्रेंड्स काउंटर वेट होते क्या है देखिए मैं बताता हूँ आपको, काउंटर वेट जो है इस तरीके से एक चौखाने में अंदर ऐसे ऐसे रखे रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसको फ्रीक्वेंटली यानी साफ्ट में ऐसे ही तो मूव नहीं करा सकते, अगर हम इसको ऐसे ही मूव कराएंगे तो ये हिलेगा और हिलेगा तो आगे पीछे चलेगा और लगेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं ये रेल बना देते हैं। इसके लिए रेल होती है और ये रेल में फंस के ग्रिपिंग होती है इसकी इस तरीके से, और ये ग्रिपिंग के साथ ऊपर और नीचे चलता है। मेरी बात समझ गए फ्रेंड्स, जिस तरीके से लिफ्ट कार उसकी रेल होती हैं और वो लिफ्ट जो कार है वो रेलिंग रेल में फंस के ऊपर से नीचे तक चलती है, उसी प्रकार से जो काउंटर वेट रहता है वो भी रेल में फंस के लगता है, फंस के ही ऊपर नीचे चलता है। अदरवाइज अगर काउंटर वेट को हम डायरेक्टली ऐसे ही फ्रीली ऊपर नीचे कराएंगे और रेलिंग रेल में फंसा हुआ नहीं होगा तो वो हो सकता है आगे पीछे हिल के लग जाए या टूट जाए या वो अदर इक्विपमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काउंटर वेट गाइड रेल आप समझ गए जो इसमें, और कार गाइड रेल जो कार जो होती है लिफ्ट की यानी जिसमें आप पैसेंजर ट्रेवल करता है वो भी रेल में फंसी हुई होती है, यानी साइडों से शाफ्ट के बीचों बीच साइडों से ऊपर से नीचे तक दोनों साइड कार रेल लगी रहती है और रेल में फंसकर ही जो हमारा लिफ्ट कार है वो ऊपर नीचे चलती है। आठवां नंबर है फ्रेंड्स काउंटर वेट बफर्स और कार बफर्स। बफर्स के बारे में मैं सेफ्टी वीडियो में भी बता चुका हूँ बफर्स क्या होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जिस प्रकार से काउंटर वेट इसके होते हैं कार बफर होते हैं, यानी कार को नीचे टिकने के लिए सिलेंडर लगे रहते हैं, चार दो भी हो सकते हैं और वो एक भी हो सकता है, जो कार पिट बफर्स कहते हैं जिनको या कार बफर्स कहते हैं, वो चीज़ कार में भी होती है और वही सेम चीज़ जो हमारा ये वेट होता है वेट के नीचे यहाँ पे सिलेंडर लगे रहते हैं इस तरीके से, दो भी लगे हो सकते हैं, एक भी लगा हो सकता है और ये इस पर आकर ट्रैवल मतलब रेस्ट करते हैं, मींस ये जो है इसको झटका नहीं लगने देते क्योंकि ये सिलेंडर हैं, सस्पेंशन का काम करते हैं, तो इस पर आराम से आके काउंटर वेट रेस्ट कर सकता है जब ये नीचे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ओएसजी आप जानते हो ओवर स्पीड गवर्नर के बारे में मैं आपको सेफ्टी वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप जानते हैं क्या होता है ओवर स्पीड गवर्नर, वही होता है जो कार लिफ्ट कार का डिज़ाइन है, मान लीजिए लिफ्ट कार का डिज़ाइन 1.5 मीटर/सेकंड का है, यदि वो उससे 25% एक्स्ट्रा स्पीड से चलती है तो ओएसजी काम करने लगता है, और ओएसजी क्या है मैकेनिकल ब्रेक को कमांड देता है और मैकेनिकल ब्रेक लिफ्ट को जाम कर देते हैं या रेल पे कस देते हैं, उससे लिफ्ट नहीं गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एप्रोन या टो। फ्रेंड्स ये एक छोटा सा पार्ट होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है लिफ्ट कार जो लिफ्ट की कार होती है, यदि कार को हम मान लीजिए हम सामने खड़े हैं, कार होता क्या है कार की सील और लैंडिंग डोर की सील बिल्कुल मैच करती है, यानी लेवल मैच होता है, यदि कार उस लेवल से 6 इंच 8 इंच या 1 फुट तक ऊपर उठ जाए और मान लीजिए वो 1 फीट ऊपर है और किसी वजह से हम उसमें काम कर रहे हैं और हमने सट गए उससे और पैर हमारे जो हैं जो लैंडिंग डोर की सील है उससे अंदर चले गए और किसी वजह से उसमें एप्रोन या ये नहीं लगा हुआ है टो बोलते हैं इसको, तो ये क्या है कार अगर मूव कर जाती है तो हमारे पैर कटने के चांसेज हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है ये कार है, ये साफ्ट में चलती है, तो इसमें क्या है ये इस तरीके से 2 से 2.5 फीट 2 से
2.5 फिट लंबा ये नीचे एप्रोन लगा होता है। अच्छा, कुछ में ये फिक्स होता है फ्रेंड्स और कुछ में ये इस तरीके से सिलेंडर के द्वारा होता है, मूवेबल होता है, ये ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ या एरोप्लेन के जो पहिए रहते हैं वो सिलेंडर से अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है। लेकिन कुछ कार में ये फिक्स होता है बिल्कुल और कुछ में ये मूव करता है। कार तो यहाँ तक है और जब ये रुकेगी तो इसी लेवल पे रुकेगी, बाहर के लेवल पे, लेकिन किसी वजह से ये और थोड़ी ऊपर चली जाती है, यानी हमारा बाहर का लेवल ये होता है, ये थोड़ी ऊपर है, तो यहाँ से हम जब खड़े हों तो इसमें पैर अंदर ना जाए, उसके लिए कार एप्रोन या टो लगा रहता है। फ्रेंड्स, सोचते हैं ना आप कि कितनी ज़्यादा सेफ्टी, यानी जो कोई भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, कभी कभी हुई है, आदमी करके सीखता है। मान लीजिए कभी ऐसा कुछ हुआ होगा लिफ्ट के साथ में, तो उन्होंने इसको मस्ट कर दिया कि कार एप्रोन लगाना मस्ट है। और ये कितना होता है, 8 फिट का अगर गेट है तो 2 से 2.5 गुना 2.5 फिट के आसपास होता है, यानी आप मान सकते हैं 2 से 3 फिट के बीच में नीचे को कार एप्रोन लगा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 11 नंबर, लैंडिंग डोर। लैंडिंग डोर आप जानते हैं फ्रेंड्स, 2 डोर होते हैं कार में, एक जो लिफ्ट होती है लिफ्ट पे 2 डोर होते हैं, आपको लगता है कि एक ही डोर है लेकिन वो 2 पार्ट में होते हैं। एक मान लीजिए ये दोनों डोर हैं, ये दोनों ऐसे चलते हैं, लेकिन जो ये वाला डोर है ये भी 2 डोर हैं, एक बाहर की तरफ का डोर और एक अंदर की तरफ का डोर। अंदर वाला जो कार की तरफ का डोर रहता है उस पर सेंसर लगा रहता है और बाहर वाले डोर पर सेंसर नहीं होता है, गौर से इधर भी। तो इस तरीके से जब ये चलते हैं तो ये आपस में 2 होते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए कि मान लीजिए ये 2 डोर हैं, ऐसे करके मैंने सटा दिया, ये इस तरीके से इधर से आएगा और इस तरीके से इधर से आएगा, तो 2 डोर होते हैं, कुल मिला के उसमें 4 डोर होते हैं हाफ हाफ में। तो जो बाहर वाला डोर होता है, जो दीवार में या बाहर वाली साइड में लगा रहता है, यानी जिस जिधर हम लॉबी में जाते हैं वो लैंडिंग डोर कहलाता है, और जो कार के साथ रहता है वो कार डोर कहलाता है। सारी फ्लोर मान लो 12 फ्लोर की, तो 12 फ्लोर पर 12 लैंडिंग डोर होंगे लेकिन कार डोर एक ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेंशन पुली। फ्रेंड्स, टेंशन पुली क्या होती है, देखिए OSG आप जानते हो, OSG क्या होती है, OSG में ऊपर पुली होती है और पुली पे एक रोप नीचे तक खींचा रहता है, जो वो रोप अब नीचे लटका तो नहीं होता, तो उसके लिए भी क्या है, पिट में एक पुली लगा देते हैं, नीचे से फिक्स कर देते हैं और वो रोप ऊपर की यानी OSG की पुली से और नीचे की पुली तक बिल्कुल टाइट रहता है, उसी पे वो ओवर स्पीड गवर्नर की जो वो रहती है, रोप रहती है, उसी पे चलती है टेंशन पुली, नीचे की साइड जो पिट पुली में पिट में लगी रहती है, और जो ओवर OSG के अंदर भी जो सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक पुली लगी रहती है जिस पर रोप कसा रहता है, उसी को टेंशन पुली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 मैंने आपको बताए, 12 के 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेन पार्ट्स हैं जो इसमें सारे होते हैं, अगर आप 11-12 पार्ट एकदम से इंटरव्यू में बताते हैं तो इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा कि इसको अच्छे से आता है और वो आपसे आगे क्वेश्चन शायद ना करे, वो किसी और टॉपिक को चेंज कर ले। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।